और ये है आज मेरे छठे दिन की थाली थाली मतलब नहीं बोल सकते क्योंकि थाली में बहुत सारी वैरायटी होती है और मैं चूंकि सिंगल सिंगल बनाती हूँ क्योंकि अकेली जान कितना खाऊंगी तो सिंगल सिंगल और हेल्दी रेसिपी बनाती हूँ। तो ये आज मैंने बनाया है मलाई सॉरी पनीर टिक्का, पनीर मलाई टिक्का कह सकते हैं आप इसको, और है साथ में चटनी हरी चटनी और बहुत हेल्दी है और बहुत फिक्सी रेसिपी है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी रेसिपी मैं दे रही हूँ और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। साड़ी है जयपुर से मैंने मंगाई थी और इसका बॉर्डर मैंने खुद से लगाया है, प्लेन साड़ी थी इसमें बॉर्डर खुद से लगाया है, अच्छी लगती है, बहुत हल्की हल्की साड़ी थी और नवरात्रि बहुत अच्छी लगती है, अच्छी है ना। तो चलते हैं खाना खाने, अपना इंतज़ार कर रहे हैं। तो पनीर टिक्का बनाने के लिए आज हम सबसे पहले पनीर टिक्का बना रहे हैं, तो ये मेरा है, मैंने इसमें पनीर लिया और एक बॉयल्ड आलू है और ये शिमला मिर्च है, और जो कि घर वालों के लिए बना देंगी तो इसमें कुछ अलग मसाले डालूंगी, तो ये उनका है पनीर शिमला मिर्च टमाटर। तो अब सबसे पहले हम इसके लिए मैरिनेशन की तैयारी करेंगे, तो ये है मलाई पनीर टिक्का बना रही हूँ मैं, तो ये है घर की दही है ये ले लिया मैंने दो बड़े चम्मच के अंदाज से बोलिएगा, देन ये दूध की जो मलाई निकलती है ना वो है, इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे और में ऐड कर लेंगे। हाँ फोन आ गया था, तो ये मलाई मैंने इसमें फेंट ली है, ये लगभग एक कप जो लेंगे ना चाय के कप से इतने पनीर के लिए मैंने ली है, और उसके बाद मैंने ये काली मिर्च है और सौंफ है, इसको हमको दरदरा कूट लेना है और इसको भी इस मसाले में मैनेज में मिला लेंगे हम, और उसके बाद ये मैं खुद के लिए मसाले डाल रही हूँ, धनिया पाउडर है, नमक है और लाल मिर्च पाउडर है, इसमें हम ऐड कर लेंगे। से फोन आ गया था, तो इसको आपको कूट लेना है दरदरा और इसी मिक्सचर में मिला लेना है और इसका एक बैटर तैयार कर लेना है। बहुत कम ऑयल में और बहुत यम्मी से बनने वाली रेसिपी है ये। अब मैं ना आटा निकाल लूँगी क्योंकि मुझे इसमें डालना है, या डाल ही देती हूँ इसमें, आधा मैंने इसमें डाल दिया जो घर वालों के लिए है, और देन ये जो मेरा है ना इसको मैंने डिप करके ताकि अच्छे से कोट हो जाए सारा, और इसको कम से कम हमको आधे घंटे का रेस्ट देना है ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए, सारे फ्लेवर्स आपस में अच्छे से मिल जाए और टेस्ट काफ़ी इन्हेंस होके आएगा। और इसको बिल्कुल सेल्फ फ्राई करना है हमको तवे पे, देन उसके बाद एक ट्रिक है जिससे आपको टिक्का वाला पूरा प्रॉपर फील आएगा इसमें, इसको मैं कर लेती हूँ एक एक करके और उसके बाद दिखाऊंगी उसमें घर वाले में और क्या मैंने मसाले। तो ये मेरा हो गया, इसको मैं रख देती हूँ एक साइड में मैरिनेशन के लिए जितना टाइम आपके पास है, और इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, तो इसको आधे घंटे के लिए रख देती हूँ। अब जो घर वाला है ना नमक वगैरह तो इसमें ऐड है ही मेरा, अब इसमें सिर्फ मैं हल्दी ऐड करूँगी, जो मसाला बचा था ना मेरा बाउल में उसी में हल्दी ऐड कर दिया मैं, देन कुछ स्पाइसेस और ऐड करूँगी, ये गरम मसाला है जिसमें अभी लहसुन प्याज नहीं रहता है कुछ भी, ये गरम मसाला ऐड करूँगी फ्लेवर के लिए, और देन ये थोड़ा सा पानी पूरी मसाला, हल्का सा टैंगीनेस के लिए, चटपटा जो होता है ना उसके लिए, बस ये ज़्यादा कुछ नहीं। और अब इसमें तो डाल दिया है मैंने, और दोनों टिक्का बनाने का प्रोसेस सेम है क्योंकि ये घर के लिए ना, तो इसमें और मसाले रोज में खाऊंगी नहीं, तो और जब ऐसे नॉर्मल डे में बनाती हूँ तो फिर थोड़ा सा अनियन भी रहता है और फिर चिकन मसाला भी डालती हूँ, इसको भी हम डाल रख देंगे एक साइड में, उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। इसको आप एक दिन पहले भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, जितना मतलब जितना देर तक होगा ना
उतना अच्छा है, बट आपको इंस्टेंट बनाना है तो आप इंस्टेंट भी बना सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा मेरिनेशन होगा टेस्ट उतना अच्छा आएगा। आधे घंटे हो गए हैं, मैंने पैन ले लिया है, अब इसको हमको बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए, बस 1 से 2 चम्मच, ज़रूरत पड़ेगी तो भून लेंगे। और चारों तरफ अच्छे से जैसे टिक्की सेकते हैं ना हम, वैसे ही इसको सेकना है। ध्यान दें पैन अच्छे से गर्म होना चाहिए, उसके बाद हम एक एक करके इसको डिस्टेंस पर अच्छे रखेंगे। सारा डाल दिया है और जो मसाला है वो भी अच्छे से सब डाल देंगे। अब इसको हमको पकाना है, आप चाहे तो तेज पत्ते पका सकते हैं क्योंकि इसको तो मतलब कुछ को गलाने की ज़रूरत नहीं है, पनीर ऑलरेडी सॉफ्ट है, आलू ऑलरेडी सॉफ्ट है, तो इसको हमको मतलब मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको हमको कुक करना है। और मसाले ऐसे कुछ है नहीं इसको पकाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस पर, तो एकदम फटाफट बनने वाली रेसिपी। और इसके लिए मैंने दही और धनिया की और हरी मिर्च की नॉर्मल सी चटनी बनाई हुई है, तो उसके साथ मैं इसको खाऊंगी, और इतना मेरे लिए एनफ है, तो कुछ मीठे में नहीं लूँगी, बस थोड़ी सी दही ले लूँगी अगर वो भी ज़रूरत पड़े तो। अब इसको सेम इसी प्रोसेस में हम अपना जो घर वाले के लिए बना रहे हैं मैंने ना, वो सेम इसी प्रोसेस में दूसरे पैन पे बना लूँगी। इसको होने देते हैं उसके बाद दिखाते हैं। देख सकते हैं मसाला जो भी फैला हुआ था सब एक जगह इकट्ठा हो गया है, और कलर देखिए ये लगभग हो गया है। अब इसका एक ट्रिक है कि आपको ये हो चुका है, मैं इसको से गैस पर ट्रांसफर करती हूँ। अब आपको अगर थोड़ा सा वो जो बोलते हैं ना सोंधा महक जो आता है ना बाजार में जो हम टिक्का खाते हैं, उसको बस ऐसे फोक में लेना है और हल्के हल्के ना इसको बस किनारे से ना तेल जो रिलीज होगा ना उससे एक सोंधापन आएगा, ऐसे धुआं जैसे निकल रहा है ना, इसको हम हल्का हल्का जला देंगे मतलब वही कहते हैं जला हुआ, जैसे देखते हैं ना बाहर के टिक्के में थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक स्पॉट रहता है वैसा स्पॉट लाएंगे तो बिल्कुल बाजार वाला फीलिंग आएगा। उसके बाद ऐसे करके एक एक करके सारा मतलब ये बस एक एक 2 सेकंड का काम है। अगर आपको नहीं करना है तो आप ऐसे भी खा सकते हैं जैसे तवे पे बनाया मैंने, बस ये रेडी है। अब इसको मैं स्प्लिटिंग करके देखिए ये आया ना, ये हल्का हल्का बस जलाना नहीं है, बस उसको ऊपर हल्का हल्का इसको करना है और खुशबू भी बिल्कुल वही वाली आएगी, रोस्टेड जो बोलते हैं ना तंदूरी वाली, तंदूरी मलाई टिक्का व्रत वाली, और अच्छी लगी होगी, डेफिनेटली अच्छी लगेगी मेरी रेसिपी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ट्राई भी कीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा है सब अच्छा हुई, मन में स्वस्थ हुई। वेलकम टू माय चैनल श्वेता की ब्यूटी फूड एंड ब्लॉग। और आज है नवरात्रि का सातवां दिन और ये है मेरी सातवीं मोटी थाली, साबुदाने का खीर और आलू की क्रिस्पी क्रिस्पी से पकौड़े, तो यम्मी बने हैं, तो ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो खा भी लीजिएगा। चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। साबुदाने की खीर के लिए सबसे पहले मैं इसमें घी डाल रही हूँ और साबुदाना थोड़ा फ्राई करूँगी, एकदम बिल्कुल लिटिल बिट घी है, ज़्यादा नहीं है, और इसको मेल्ट होने देंगे। उसके बाद मैंने साबुदाना ना 2-3 घंटे पहले भिगो के रखे थे ताकि ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, तो ये बहुत ट्रांसपेरेंट वाला लुक देते हैं। इसको डाल के हमको थोड़ा सा इसको बस फ्राई करना है, इससे ना दाने बिल्कुल खिले खिले से रहते हैं, आपस में चिपकते नहीं हैं, तो धीमे आके हमको फ्राई कर लेना है। और तब तक ये जब तक फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं आलू कट कर ले रही हूँ, पकौड़े याद बनाने हैं सिंपल से और साबुदाने की खीर। तो ये आज मेरी सप्तमी की थाली, माता का भोग जो कहेंगे, जो अब तो बस ये आज लास्ट है, सेना नमक का फलाह, जो कल अष्टमी है तो कल तो फिर खाना नहीं है कुछ भी नमक वगैरह, उसके बाद फिर नवमी को तो हमारा कन्या भोग होगा, तो उसमें जो प्रसाद बनेगा पूरी चना हलवा जो भी बनता है वो रहेगा। उसको होने देते हैं हल्का हल्का, ये हो गया है लगभग, और उसमें हम दूध ऐड करेंगे। दूध अपने अकॉर्डिंग आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, क्योंकि मेरी क्वांटिटी कम है इसलिए मैंने अंदाज़े डाला है 1 कटोरा के अंदाज से, और हाफ कटोरी मेरा साबुदाना था तो उसे डबल मैंने डाला है। अब इसको होने देंगे क्योंकि बाद में मैं इसमें ना मिल्क मेड ऐड करूँगी, तो अब इसको होने देते हैं, फिर चीनी बाद में ऐड करूँगी।
और चीनी बिल्कुल लेस, क्योंकि मिल्क मेड में ऑलरेडी चीनी होती है, मिठास होती है, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब इसको गाढ़ा होने देते हैं। ये साबुदाना मेरा हो चुका है, ट्रांसपेरेंट सा दिखने लगा है। इसको अभी थोड़ा सा और गाढ़ा करूँगी और इसी बीच में मैं चीनी डाल दे रही हूँ। चीनी डालने से ना एक दूध में ना येलो का ना आ जाता है अच्छा सा। और इसी टाइम में मिल्क मेड, आप ये ऑप्शनल है, बिल्कुल मिल्क मेड ऑप्शनल है, आप पे डिपेंड करता है आपको डालना है नहीं डालना है। अब इसको हम गाढ़ा, थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे, बहुत बिल्कुल वो बोलते हैं ना हमारे एकदम थिक वाला कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे, थोड़ा सा हल्का सा, मुझे पतला, मतलब पर्सनली मुझे हल्का पतला पसंद है, बहुत गाढ़ी वाली नहीं है। हालांकि ये पक चुका है, देखिए आप देख सकते हैं पूरा ट्रांसपेरेंट दिखने लगा है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा आपको गाढ़ापन लाना है। उसको होने देते हैं, गाढ़ा होने देते हैं। तब तक मैंने ये पकौड़े के लिए काट के रखा हुआ है आलू, धनिया और ये हरी मिर्च है, इसके पकौड़े बनाऊँगी कुट्टू के आटे में। कुट्टू के आटे में सिर्फ आटा डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे मैंने वो केले का पकौड़ा बनाया था ना उसी टाइप से, उसमें थोड़ा सा ताकि अच्छे से वो अच्छे से लिपट जाए, और नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर बस। और इसको पकौड़े वाला घोल बना करके फिर मैं इसको फ्राई कर लूँगी डीप फ्राई। सारी सब्जी पीली पीली सी और येलो मेरा फेवरेट कलर है, जिससे मैंने ये पहना है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, खास करके प्लेन साड़ी बहुत अच्छी लगती है, मतलब बिल्कुल प्लेन कुछ भी नहीं होना चाहिए। और कल है सब पंडाल में जाएंगे, माँ को चुनरी चढ़ाएंगे, भोग चढ़ाएंगे, जो भी होता सिंगार का सामान चढ़ाएंगे, कल चूँकि माँ का सिंगार होता है इसलिए, तो चूँकि मेरे ससुराल में मेरी सासू वाले हमारे की कुम देवी है ना, दुर्गा माँ, उनको चढ़ाती थी रात में, तो मैं रात को चढ़ाती हूँ, जैसे वो करती थी वैसे करती हूँ। तो दिन में तो कुछ नहीं, दिन में तो नॉर्मल पूजा होगा, फिर पंडाल जाऊँगी, पुष्पांजलि करूँगी, उसके बाद रात में घर में जो भी अपना होगा करने को वो दिखाऊँगी। बस आज तक जो सिंधा नमक का जो फलाहार था वो आज तक का लास्ट था मेरा, और कल चूँकि ज़्यादा नमक नहीं, बिना नमक का है खाना, तो जो नॉर्मल मीठा फल होगा वही, और कुछ नहीं बनाऊँगी। तो कल पूजा का जो ब्लॉग और नवमी को कन्या पूजा का भी कोशिश करूँगी लेने का अगर हो सके तो, और पंडाल का भी दिखाऊंगी, दसवीं को हम लोग जाते हैं सिंधी खेलने के लिए, वो कैसे रहता है तो वो भी दिखाऊंगी। और आई होप आप लोगों को अभी तक का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू। मेरी साबुदाने की खीर रेडी हो गई है, और मुझे पतली ही पसंद है इसलिए मैं पतली बनाती हूँ, आपको अगर गाढ़ी पसंद है तो आप गाढ़ी बना लो, और ये ठंडी होगी तो थोड़ी सी गाढ़ी और हो जाएगी, लेकिन इसमें मिल्क मेड की वजह से काफ़ी थिकनेस है, दूध पतला नहीं है, दूध में काफ़ी थिकनेस है लेकिन रनिंग है। उसके बाद ये मेरा पकौड़े का घोल रेडी है, इसमें सिर्फ नमक, धनिया पाउडर और लाल मिर्च डाला है, और आलू है, धनिया पत्ती है, हरी मिर्च है बस, और कुछ नहीं है। अब तेल गर्म करने में रख दिया है, उसके जैसे हम नॉर्मल पकौड़े अपने बनाते हैं ना, तेज आंच पे बनाएंगे, तेज आंच पे बनाने से ना क्रिस्पी बनते हैं पकौड़े। तेल गर्म हो चुका है मेरा, इसको हम डालते जाएंगे अपना। मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग छोटे बड़े आप जैसे ही बना सकते हैं, और बहुत अच्छी लगती है। और आज मैं इसकी चटनी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि तो दो तीन दिन लगातार चटनी खाई ना, ये पकौड़े ऐसे ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार में जितने आए आप डाल दीजिए, उसके बाद इसको तल लीजिए। तो ये थी आज की मेरी रेसिपी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और अभी कल तो अष्टमी है, तो घर में कल पूजा होगा, माँ को साड़ी वाड़ी चढ़ता है जो भी है।